बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन ये दोपहर के बाद का टाइम है। मैं नैप ले के उठ गई थी और आज मैंने आप लोगों के साथ जो टिप्स शेयर करनी है, यू विल लव इट। तो मैंने जो है सुबह के करीब जो है ये काली दाल जो होती है ना माश की, जैसे मैं हम नॉर्मली काली दाल बोलते हैं, इसको सुबह भिगो दिया था। और उसके बाद ये 4-5 घंटे अच्छे खासे भिगो लेने के बाद मैंने इसे स्लो कुकर में डाला और इसके साथ इसमें डाल दिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ में गर्म पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और लाल मिर्च डाल दी, ठीक है। और मैंने इसको स्लो कुकर पे पकने छोड़ दिया और इसका ढक्कन बंद कर दिया। अगर आपके पास स्लो कुकर नहीं है तो आप नॉर्मल पतीली में इस तरह कर सकते हैं। एंड बिल्कुल हल्की आँच, इतनी हल्की आँच ना कि जैसे मोमबत्ती होती है ना स्लो कुकर में, इस तरह खाना बनता है। एंड ये दाल पकेगी अभी 24 घंटे। और सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह ट्राई किया है एंड इस दाल का जो टेस्ट था ना वो नॉर्मल दाल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप 24 घंटे नहीं बना सकते तो आप रात को चढ़ा दें या सुबह सवेरे चढ़ा दें और रात तक वो बिल्कुल, एक तो उस जो दाल है उसके अपने इतने जूसेस निकल आते हैं और उसके अलावा ये होता है कि वो एक थिक सी ग्रेवी की तरह की लुक देता है। जब आप उसकी ग्रेवी बना रही थी नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे, तो वो आप यकीन करेंगे कि वो जो दाल का टेक्सचर था ना, जितना वो क्रीमी था, मैंने ऐसी दाल आज तक नहीं खाई। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप लोग दाल को इस तरह ज़रूर बनाएं। मैंने 24 घंटे बनाया था, तो आप लोग अगर 24 घंटे इनकेस नहीं बना सकते तो आप सिंपली ये काम करें कि आप सुबह चढ़ा दें दाल को, रात को भिगो दें, सुबह चढ़ा दें पूरा दिन, क्योंकि आप जाग रहे होते हैं, किचन में होते हैं, आते जाते हैं तो उस दाल को देखते रहें, पानी डालें और उसकी आँच बिल्कुल हल्की कर दें, दम वाली आँच पे पकाएंगे। बिलीव मी यू विल लव दैट दाल, आई लिटरली लव दैट दाल। मुझे इस तरह की टेक्सचर की उम्मीद ही नहीं थी। एंड सीरियसली जब नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी आप खुद हैरान हो जाएंगे कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है। हाँ जी, तो अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और ये होता है कि मेरे बच्चे वगैरह जब स्कूल से आ जाते हैं और हस्बैंड आ जाते हैं तो इतने टायर्ड होते हैं, वो सो जाते हैं, तो फिर बिल्कुल 5 बजे के करीब का ये टाइम है। मैं उठी थी नैप लेके, तो उसके बाद मुझे था कि चलो मैं बनाती हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी थी और मुझे था कि हाथ के हाथ में शाम की मज़े की चाय भी बना के देती हूँ अपने हस्बैंड को और बच्चों को। खैर अब मैं बना रही हूँ हलवा और उसके लिए जो है ना मैंने लिया है 1/2 कप घी। और जब भी आप स्वीट डिश बनाए ना तो उसमें घी का इस्तेमाल करें, जब आप देसी कोई स्वीट डिश बना रहे हो। तो आज मैं बना रही हूँ आटे का हलवा, और आटे का हलवा मेरी दादी बनाती थी एंड मुझे याद है मुझे इतना अच्छा लगता था ना वो आटे का हलवा। मैंने कभी बच्चों के लिए नहीं बनाया था, आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो इसका रेशियो 1/2 कप है, हर चीज़ आपने 1/2 कप लेनी है। 1/2 कप मैंने घी लिया था और 1/2 कप ही मैं इसके अंदर डालूंगी आटा, ठीक है। आटा छना हुआ आटा है, आप मैदा नहीं डालेंगे, आटा डालेंगे। और पहले जब घी जो है वो गर्म हो गया, मेल्ट हो गया, उसके बाद उसके अंदर मैंने आटा डाल दिया और अब मैं इसको भूनूंगी। हलवों की बात ये होती है कि आप उसको भूनना बहुत होता है, क्योंकि अगर आप भूनेंगे नहीं ना तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। चाहे वो किसी का भी हलवा हो, चाहे वो बेसन का हलवा हो, चाहे वो सूजी का हलवा हो, चाहे वो ये वाला नॉर्मल जो आटे का हलवा होता है। खैर एनीवेज इसको अच्छी तरह आपने उस वक्त तक भूनना है कि जब आटे से बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आने लगेगी और थोड़ा जो है ना ये इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बहुत डार्क नहीं करना आपने, हल्का सा कलर करना है। उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब पानी का रेशो ये है कि पानी इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1/2 कप के बराबर। आप देख लीजिए, अगर आपको फील होता है कि ये जो आटे का दाना है वो थोड़ा सा भी पका नहीं है, थोड़ा सा और पानी डाल दें। खैर अब मैं इसको दोबारा पानी डालने के बाद अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी, भूनती जाऊंगी, भूनती जाऊंगी, जब तक मुझे ये फील आ होता है ना कि ये जो है दाना पक गया। अब जब मैंने देख लिया कि इसका दाना पक गया तो इसके अंदर मैंने 1/2 कप ही चीनी डाल दी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं रेशो, हर चीज़ 1/2 कप, आटा भी, ऑयल भी, पानी भी और चीनी भी। पानी का ये करें कि थोड़ा सा मैंने आपको जैसे बताया फील होता है तब डालें, नहीं होता तो इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल नीड नहीं। खैर इसको आप अच्छी तरह पकाते जाएं, पकाते जाएं, पकाते जाएं। चीनी एंड में डालने का मकसद ये होता है, अगर आप चीनी पहले डाल देंगे तो चीनी जो है ना वो कैरमलाइज होना शुरू हो जाती है और जो हलवा होता है ना वो वैसा नहीं बनता। चीनी हमेशा आखिर में डलती है, चाहे वो कोई भी हलवा हो।
तो क्योंकि वो फिर अपना पानी भी छोड़ती है, अगर पहले पानी छोड़ देती है तो चावल भी नहीं गलते, अगर आपने खीर बनानी होती है सूजी की हलवा बना रहे तब सूजी भी नहीं गलती। तो चीनी जो है ना वो सबसे आखिर में डाली जाती है। तो अच्छी तरह से चीनी डाल लेने के बाद मैंने इसको भुना है, एंड आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत भून रही हूँ। भूनने में इसका बहुत टाइम लगता है, इतना तो खैर पूरी पूरे हलवे में आप कह सकते हैं कि आधा घंटा भी नहीं लगा था, लेकिन यह है कि चीनी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि चीनी घुलने में आप किसी भी चीनी भी डाल सकते हैं, मुझे किसी भी चीनी नहीं अच्छी लगती, मुझे इसमें साबित जो मोटी मोटी चीनी होती है वो डाल के फिर उसको भूनना अच्छा लगता है। एंड हलवा जो है ना वो जैसे देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना किशमिश डाल दिए थे, अगर आपके पास बादाम पड़े हैं तो आप बादाम डाल दें, किशमिश पड़े तो किशमिश डाल दें, बस हलवा बना के तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया था और मैंने इसको साइड पर रख दिया था, क्योंकि इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए हलवा, मैं मेरे हस्बैंड खाएंगे बच्चे के एक बाइट ही लेंगे, तो मुझे था कि चलो मैं इनके लिए शाम को चाय के साथ पकौड़े बना लेती हूँ। तो आगे मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी इतने मज़े के क्रिस्पी पकौड़े दैट यू विल लव इट। अब देख सकते हैं आप हलवा मैंने सिर्फ इतना ही बनाया कि इस वक्त चले, क्योंकि मैं ना मुझे ना हलवा बाद में नहीं अच्छा लगता, हलवा ताज़ा ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इतना ही बनाती हूँ कि हम लोग अभी खा लें, क्योंकि इतना ढेर तो बच्चे तो इतने शौक से खाते भी नहीं है, ये तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बचपन के हलवे हैं। तो मुझे था कि चलो मैं बना लेती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि मेरी दादी बना के देती थी, तो ये हलवा जो है मैं बना रही हूँ। इतना ही बनाया है, आप देख सकते हैं पूरा एक प्याला बन गया, एंड हम दोनों ने और बच्चों ने एक एक बाइट डाल से हलवा बना के मैंने साइड पे रख दिया। और जब मुझे खाना होगा मीन्स आधा घंटे बाद मैंने खाना था, हस्बैंड अभी मेरे सो रहे थे, तो मुझे था जब तक वो उठेंगे तो हलवा भी रेडी होगा, पकौड़े भी रेडी होंगे, चाय भी रेडी होगी, तो हम लोग जो है ना साथ मिल के ये सारी चीज़ें खा लेते। तो हलवा मैंने राइट साइड पे रख दिया था, क्योंकि हलवे के अगर हलवे के साथ चाय चढ़ा देती ना तो कड़ कड़ के उसने बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मैं नॉर्मली जिस तरह चाय बनाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड शाम को चाय ज़रूर पीते हैं 1-1 कप। और चाय ये कि मैं जब नींद से उठती हूँ ना तो अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो मेरा मुश्किल होता है, माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग, या तो मैं चाय पीती हूँ या मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, इन दोनों में से एक चीज़ मैं ज़रूर पीती हूँ तभी मुझे फील होता है। मेरे बच्चे कहते हैं इट्स एडिक्शन, लेकिन ये है कि मैं उस तरह नहीं पीती कि दिन में 5-5, 6-6 कप जैसे मेरी सास पीती हैं चाय, वो तो इतनी चाय पीती हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ कि तो बस चले रात को भी चाय पी ले, लेकिन इतनी चाय मैं नहीं पी सकती, मैं सिर्फ इतनी पीती हूँ जितनी मुझे जो है ना रिक्वायर्ड होती है। खैर इस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड चाय, मैंने चाय चढ़ा दी थी, और अब जो है मैं बना रही हूँ आलू के बहुत ही ज़बरदस्त, ये इतने क्रिस्पी और इतने यम्मी पकोड़े होंगे यू विल लव इट। मैंने आलूओं को लेके धो लिया, और उसके बाद ये जो मेरा चॉपर है ना इसमें जो कद्दूकश वाला होता है ना ऑप्शन, मैंने उसको कद्दूकश कर लिए आलूओं को, और आप देख सकते हैं जो जो ऊपर ऊपर छिलका रह रहा था वो मैंने नहीं डाला उसमें, और तकरीबन ये आप कह सकते हैं 1/2 किलो आलू थे, और लंबे लंबे पतले पतले आलू थे, इसलिए मैंने उनको धो के कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो नॉर्मल कद्दूकश से भी इनको कद्दूकश कर सकते हैं, ये मैं इसलिए कद्दूकश करी क्योंकि इसके जो पकौड़े बनेंगे ना सीरियसली यू विल लव इट, क्योंकि वो प्याज वाले नहीं है, आलू के पकौड़े हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। खैर ये जैसे ही कद्दूकश हो गया, आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, फ़ौरन फ़ौरन इसमें मसाले डाल देने। मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें डाली, और एक बात याद रखी इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते, लाल मिर्चें मैंने डाली है, इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं मिर्चें, कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो कुछ को कम अच्छी लगती है। मैंने 1 चम्मच के करीब लाल मिर्चें डाली हैं और 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, और इसके अंदर मैं डालूंगी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश कर दे, बहुत क्रश मत कीजिएगा, और नमक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। और इसके बाद मैंने इसमें डालना है चावलों का आटा, चावल का आटा विल मेक इट मोर क्रिस्पी, इसके अंदर चावल के आटे से ना बहुत ही क्रिस्पी टेस्ट आता है। और चावल का आटा किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर आप जाएंगे, सीरियसली मैं 1 किलो लेकर आई थी रमज़ान में, एंड ये अभी तक चल रहा है, और अभी भी तकरीबन इस तरह की 2-3 चीज़ें उसमें और बन सकती हैं। चावल का आटा मैं तकरीबन 3-4 टेबलस्पून्स डाल दिया है, और उसके बाद बेसन मैं हाथ से डाल रही हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितना बेसन इसमें जाएगा। बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना इसमें क्योंकि इसमें चावल का आटा भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। जो ये जो आलू थे इसको कद्दूकश किया था, जो इसका पानी निकला था वही पानी है, इसके अंदर आपने कोई पानी शानी कुछ भी नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना, और इसको अच्छी तरह से हाथ में हाथ से मिक्स कर देना। अगर हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो लंबी लंबी करके डाल दें, छोटी करके डालेंगे तो वो निकल जाएगी। बस ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। साथ ही जो है ना
मैंने चाय के साथ ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और ऑयल की मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप पकौड़े बना रहे होते हैं ना, कोई भी फ्राइड चीज़ बना रहे होते हैं, तो उसकी एक निशानी होती है कि ऑयल को कितना गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मुझे आता है। अभी देखो ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया, इसके अंदर मैं सिर्फ एक स्ट्रैंड डालूंगी आलू की, वो नीचे पड़ी हुई है, और उस वक्त तक इसको गर्म करेंगे जब तक वो स्ट्रैंड जो है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपका ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब आप देख सकते हैं मैं डाल किस तरह हूँ, आप हैंड्स की मूवमेंट मेरी देख लें, मैं ऐसे घट्टे बना बना के नहीं डाल रही है, बंद कर करके नहीं डाल रही, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। उससे ये होता है कि ये क्रिस्पी बनेंगे, एक्सट्रीमली क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, इतने मज़े के बनेंगे। इवन ये आप रमज़ान में भी ट्राई करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट पकौड़ों की रेसिपी है, ट्राई करें। कोई प्याज नहीं जा रहा इसमें, और कुछ नहीं जा रहा, बस सिर्फ ये आलू है, सिर्फ दो चार मसाले हैं, एंड आपकी इवनिंग टी जो है ना वो उसको चार चांद लगा दी। खैर मैंने इन पकौड़ों को, एक और टिप शेयर कर दूँ, ये मैंने अपने बेटे को भी बता रही थी, वो स्टैंडिंग विद मी, बिकॉज मैंने उसको दिखाया कि इसमें मैंने प्याज नहीं डाले, बेटा इसको एक दफ़ा देख लो ताकि फिर वो नहीं खाता। मैं उसको बता रही थी कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आप फ्राई करते हो तो पहले कांटे से उसको एक दफ़ा उलट पुलट कर लिया करो, जब तक ऊपर से वो कच्ची होती है। तो ये मैंने फ्राई कर लिया, गोल्डन कलर का मैंने इसको फ्राई किया, अच्छी तरह से ऑयल आपने इसमें से निकाल लेना है, एंड हमारे पकौड़े जो है ना वो तैयार हो गए। दो तीन बैच, ये पैन जो है ना मुझे छोटा लग रहा था, फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और आप देख सकते हैं अब मैं इसको डाले जा रही हूँ और मैं इसके पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े जब बन गए, आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया था, क्योंकि मेरी फैमिली का जो है ना चिली गार्लिक सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट। तो ये पकौड़े बन गए थे, मेरे हस्बैंड नींद से उठ गए थे, चाय पकौड़े एंड हलवा हम लोगों ने शाम को चाय के साथ खाया, कॉम्बिनेशन वॉज टू गुड, ट्राई इट, ट्राई इज मस्ट। Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे जो है मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और ये तकरीबन सुबह के बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। और आपको याद होगा कि कल मैंने चढ़ाई थी दाल, और तकरीबन 20 घंटे 22 घंटे दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से जहाँ गल गई। अब मैं आपको आगे उसका टेक्स्चर भी दिखाऊँ। ऑयल में मैंने सिंपली डाल दिया है टमाटर के क्यूब्स। आपको याद होगा टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, तो मेरे पास टमाटर बहुत ज़्यादा पड़े थे, ये आखिरी 4-5 दाने थे, और ये भी मैंने डाल के, तो इससे जो है ना मैं मसाला बना रही हूँ, ठीक है। मैंने हरी मिर्चें डाल दी और टमाटर के क्यूब डाल दिए, और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का आपको होता है ना टमाटर, थोड़े से सस्ते आपको कोई मिल जाते हैं, तो आप उसको ब्लेंड करके हरी मिर्चों के साथ, तो एक क्यूब्स बना के कप्स में डाल के फ्रीज कर दें, सीरियसली आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेंगे। अभी तक मेरी यही यही प्याज और सॉरी यही टमाटर चल रही थी, 2-3 जो है ना मेरे पास और रह गए थे, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए, चलो ख़त्म हो रहे हैं तो मैं इसमें सारे डाल दूँ। अब मैं इस मसाले को जो है ना वो अच्छी तरह से मीन्स मिक्स करूँगी, और उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, ताकि जो टमाटर है ना, ये जो टमाटर मैंने इसमें डाले थे, ये घुल जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको इस दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ कंपैरेटिवली कुकर में गली हुई दाल के। आप इसका क्रीमी टेक्सचर देखिए, सीरियसली आई वॉज लाइक, इसके बाद मैंने कोई भी दाल होती है, कुछ भी होता है, मैंने चने गलाए थे लेकिन दालें मैंने कभी नहीं बनाई थी, एंड आई वॉज सो शॉक्ड, इसका टेक्सचर कम और टेस्ट दोनों, सीरियसली मेरे हस्बैंड जब खा रहे थे तो मुझे कह रहे थे इसके अंदर कोई चीनी डाली है तुमने, तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं डाला, बट इसका इतना क्रीमी टेक्सचर होगा ना अगर आप इसको स्लो कुकर में बनाएंगे। हाँ जी, तो जब ये मैं उबाल रही थी, अदरक मैंने फिर निकाल दी थी, और इसमें मैंने लहसुन शामिल कर दिए थे साबित वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लहसुन। आधी दाल जो है मैं आज पकाऊंगी, और आधी दाल को मैं जिप लॉक बैग में डाल के तो मैं फ्रीज कर दूंगी। अब देखें मेरा कितना काम आसान हो गया, मेरे अब नेक्स्ट टाइम जब मैं दाल बनाऊंगी तो मेरी दाल गली पड़ी होगी, और मैंने सिर्फ सिंपली उसको इस तरह का मसाला टमाटर वाला बनाना है, और मैं उसमें बना लूँगी। और एक बात याद रखिएगा, मैं जब भी काली दाल बनाती हूँ या माश की दाल बनाती हूँ, मैं उसमें प्याज नहीं डालती, मुझे पता नहीं प्याज अच्छा नहीं लगता। अब जब ये टमाटर गल गए तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी जो है मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा, और आप अपने टेस्ट के मसाले डाल सकते हैं। ये मेरे पास जो पड़ा था धनिया पाउडर पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मेरे पास सालन मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक। ठीक
ठीक है, अब इसको और हल्दी डाल दें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना पका लेना है, मसाला जो है वो अपना तेल छोड़ दे, तो दैट मीन्स मसाला रेडी हो गया। एक और चीज़ आज मैं इसमें डालूंगी, यूजली मैं जब भी ये वाली दाल बनाती हूँ ना तो मैं इसमें चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज मेरे पास चाट मसाला ख़त्म था एंड आई वॉज लाइक कि अभी घर में कोई है भी नहीं कि वो लेकर आए, और फिर जब बाद में डालो, बाद में तो बच्चे डाल सकते हैं लेकिन ये कि मुझे खाते पकाते हुए भी मैं डालती हूँ। तो मैंने एक चीज़ और इसके अंदर शामिल की है, एंड पहले तो मैं इसमें दाल डालूंगी, जब दाल डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी तब मेरे पास सिट्रिक एसिड पड़ा है। आप लोगों को याद है सिट्रिक एसिड मैं हमेशा लेकर आती हूँ, सिट्रिक एसिड मेरी बहुत सारी रेसिपी में मैं यूज़ करती हूँ, वेरी इकोनॉमिकल होता है और लेमन का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। जब आपके पास लेमन नहीं हो आप वो डाल दें, सीरियसली आपके खाने का टेस्ट ही चेंज कर देगा। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह, इसमें तकरीबन हाफ दाल आप देख सकते हैं मैंने शामिल कर दी, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। हमारी जो दाल है उसको, क्योंकि दाल तो गली भी है, मसाला भी हमारा बन चुका है, बस एक दम देने वाला काम होता है जो कि थोड़ी देर के लिए मैं देती हूँ, 5-10 मिनट का दम, तो हमारा खाना जो है ना वो रेडी हो जाता है। और हरी मिर्चें मैं सब अपने लिए डालती हूँ, साबित साबित इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना तो मेरे हस्बैंड खाते हैं ना मेरे बच्चे खाते हैं हरी मिर्चें, तो वो सिर्फ यू नो आई एम द ओनली पर्सन हू ईट्स हरी मिर्चें, तो वो अपने लिए इसलिए डालती हूँ साबित साबित कि मुझे नज़र आ रही होती है। खैर अभी इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिट्रिक पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा तकरीबन आप कह सकते हैं छोटी चाय की चम्मच, चाय का चम्मच का हाफ, एंड इसका टेस्ट इतना मज़े का यम्मी टेस्ट था ना, और ये आप दाल का टेक्सचर देखिए, एंड आई वॉज लाइक सीरियसली कुकर में वो टेक्सचर आता ही नहीं है जो इस तरह स्लो कुकिंग में आता है। तो आप लोग ट्राई करें ये दाल, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, अपनी पतीली में बना के देखें, आप लोगों को ये दाल बहुत अच्छी लगेगी नान चपाती सलाद और चटनी के साथ। अभी मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गीगा मॉल। क्यों जा रही हूँ गीगा मॉल, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, और यू नो माई बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग जो मुझे लगती है ना सारे पिंडी इस्लामाबाद में, दैट इज़ गीगा मॉल, क्योंकि मुझे इसकी हर हर चप्पे का भी पता है कि कौन सी शॉप मुझे किस फ्लोर पे मिलेगी। आप ना कंफर्टेबल होते, जब मैं कराची में होती थी मैं डॉलमेन मॉल जाती थी एवरी सैटरडे, मैं जॉब करती थी ना तो मैं एवरी सैटरडे बच्चों को लेके निकल जाती थी, दैट वॉज माई एंटरटेनमेंट। तो मैं जाती थी और मैं अपने आराम से जो है ना जो शॉपिंग करनी होती थी, क्योंकि जॉब में बहुत कपड़े मुझे चाहिए होते थे, तो मैं मोस्टली कपड़े शपड़े लेती थी, बच्चों के लेती थी, घर की शॉपिंग कर रही होती थी, तो मैं वो उसी सैटरडे वाले दिन करती थी। तो मुझे सारी शॉप्स ना फिंगर टिप्स पे थी, अभी भी लोकेशन मोस्टली उनकी वहीं पर है, क्योंकि अभी तो मैं काफ़ी अर्से कराची नहीं गई, लेकिन ये है कि अभी गीगा मॉल की ना सारी लोकेशन मुझे पता है कि कौन सी चीज़ मुझे किधर मिलेगी। खैर एनीवेज मैं इधर गीगा मॉल आई थी, ज़ियाओमी में मेरे हस्बैंड का काम था, मी ब्रांड जो है, यहाँ से आपको याद होगा हमने मोबाइल्स लिए थे अपने, तो यहाँ पर बहुत अच्छी घड़ी थी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, एंड इसकी प्राइस थी अराउंड 6000 कुछ की, एंड इट वाज अ बैंड टाइप ऑफ, लेकिन फिर देन आई थॉट मेरे पास बैंड भी है, मेरे पास दूसरी अच्छी वॉच भी है, स्मार्ट वॉच भी है, और मेरे पास वैसे भी बहुत सारी वॉचेज है, तो पहले मेरा दिल आया, देन आई वाज लाइक नहीं भाई नहीं लेते। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा डू यू नीड दिस, ही सेड नो आई डोंट वांट दिस। तो खैर मैं गई थी, मैं हमने वो प्रोटेक्टर्स लगाने थे मोबाइल्स पे, तो वो तो हमें सही से नहीं मिले, लेकिन ये कि यहाँ पर ज़ियाओमी की शॉप पे हम फिर आके, तो उसके बाद मैं और हस्बैंड ने जो मैंने शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर, मींस जो करनी थी वो मैंने सारी की। आप लोग वो मेरे देख रहे होंगे मेरे दूसरे ब्लॉग पे, मेरे चैनल जो है, मेरा दूसरा चैनल जो है उस पर मैं वो सारी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। उधर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल हु रियली लव ओनली लव शॉपिंग, एंड देर आर सो मैनी पीपल हु लव्स टू वॉच ब्लॉग्स एज़ वेल, तो उन दोनों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं उधर सिर्फ शॉपिंग्स डाल रही हूँ कि कोई बोर ना हो, जिनको शॉपिंग देखनी वो वहाँ देखेंगे, और यहाँ पर मैं ब्लॉग दो दिन का एक साथ डाल देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी कुछ रेसिपीज भी मिल जाएंगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप लोग यू विल लर्न अलॉट। खैर जब मैं और मेरे हस्बैंड शॉपिंग से फारिग हो गए, तो उसके बाद हम आ गए थे सूफी ऊपर फूड कोर्ट में, और मैं जब बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ जब भी आती हूँ इधर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी ऐसी ब्रांड पे जाके कुछ खा के आऊँ जहाँ पर एक जगह पे बैठने वाली अच्छी जगह हो, तो चाहे वो सूफी हो या चाहे आप फूड कोर्ट में कोई और देख लें, पिज़्ज़ा हट भी है, मैकडोनल्ड्स भी है, उनकी ना सेपरेट जगह बनी हुई होती है अंदर शॉप पे, उन्होंने बनाई हुई होती है, दैट इज़ गुड, मुझे वो अच्छी लगती है कि प्राइवेसी है, लोग आपके पास से नहीं गुजर रहे, थैलों लेके फिर रहे होते हैं, तो और जगह स्पेशली लोग देख रहे होते हैं कि आप उठेंगे तो हम आके बैठेंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना ऐसी जगह पे जाके बैठूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश वगैरह ना। खैर यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगी सूफी पे ना बंद कबाब आए हैं, ठीक है,
और ये बंद कबाब है। मेरे हस्बैंड ने तो खैर अंडे वाला नहीं खाया था, इसके अंदर अंडा था, एंड आई रेकमेंड यू, इट वॉज सो यम। इतने मज़े का ये बंद कबाब था, इसमें शामी कबाब था, साथ में जो है ना अंडा था और बंद था, मीन्स प्याज व्याज जो भी उन्होंने डाले हुए होते हैं, और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी उनकी अपनी, और हमने जो है ना वो इनके चिप्स मंगवा लिए थे, तो बहुत अच्छा था, सीरियसली बहुत। क्योंकि हम तो खाना खा के आए हुए थे, इतनी भूख हमें लगी नहीं थी, लेकिन वो एक होता है ना, एक मस्ट होता है कि आपने जाना है तो खाना जरूर है। खैर मैंने शॉपिंग वगैरह कर ली, खाना मैंने खा लिया, एंड इट वॉज सो टायरिंग एंड अ लॉन्ग डे। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह।